संहिता शब्द स्वयं अपने आप में यह कहता है कि समहिता इति संहिता जो समान रूप से हितकारी विषयों का जिसमें संग्रह किया गया हो उसका नाम है संहिता और समृता भी कहते हैं जो संपूर्ण रूप से सभी विषयों को धारण किया हुआ उसको संहिता कहते हैं ज्योतिष के तीन भेदों में सिद्धांत संहिता और होरा इस नाम से त्रिस्क ज्योतिषम शास्त्रम होरा गणित संहिता इति इस नाम से प्राचीन काल से ही तीन भागों में ज्योतिष शास्त्र के संपूर्ण विषयों को विभाजित कर विद्वानों ने अध्ययन की परंपरा शुरू की सिद्धांत का तात्पर्य सब लोग जानते हैं कि सिद्धांत का अर्थ है कि वह गणतीय विधि जिस विधि से हम ग्रहों को नक्षत्रों को योगों को बाकी सारे जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनकी दूरी उनका उदय उनका अस्त जैसे ग्रहण है सन्निपात है जो कुछ भी है उसकी गणतीय विधि को सिद्धांत कहते हैं और भास्कराचार्य ने तो यहाँ तक तो कहा न कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमात् चार से दुषदाम गणितम तो ये बताया कि पूरा काल मान और ग्रहों की संपूर्ण गति का ज्ञान और गणित की पूरी विधि द्विधाच गणितम का माने चाहे व्यक्त गणित हो या अव्यक्त गणित हो तो समस्त गणित के मूल को ही सिद्धांत ज्योतिष कहा गया उससे उस गणितीय विधि से जो ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया जाता है जिसके आधार पर ही पंचांग प्रकाशित होते हैं अगर सिद्धांत ग्रंथ न हो तो पंचांग का कहीं नाम नामो निशान ही न रहे तो पंचांग बनाने की जो तो विधि विकसित हुई वो संधिता सिद्धांत ज्योतिष के ही एक फल का एक फलीभूत परिणाम है पंचांग सिद्धांत की विशेषता है और फलित ज्योतिष जिसको होरा ज्योतिष कहा गया तो इसका ये जो ग्रह नक्षत्र आए जो लग्न आया प्रथम लग्न या दसम लग्न या द्वादश भाव विवेचन ये जितनी सारी चीजें आए वो केवल हमारे यहां एक विशेषता रही है कि कोई भी प्रयत्न जिन विद्वानों ने किया तो प्रयत्न केवल प्रयत्न के नहीं होते थे उस प्रयत्न का फल समाज को मिले इसके लिए प्रयत्न किया जाता था चाहे जो भी हो केवल अध्ययन ही उद्देश्य हो ऐसा कभी नहीं रहा उस अध्ययन से किस फल की उपलब्धि होगी और वो कैसे जनहित में समाज हित में लोक हित में राष्ट्र हित में उपयोगी होगा ये उसका उद्देश्य होता था तो फलित ज्योतिष इतने प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की का स्पष्टीकरण करने के बाद जो तो जन्म जन्म जन्मपत्र तैयार होते हैं तो उनका क्या फलादेश होगा ये फलादेश करने की विधि को फलित शास्त्र कहते हैं उसी को होरा शास्त्र कहते हैं उसी के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान की जो प्रक्रिया ज्योतिष शास्त्र की है वो फलित शास्त्र के लिए ही कही गई है कि इससे हम त्रिकालज्ञ बन सकते हैं तो फलित से ही हो सकता है तो अब आइए संहिता ज्योतिष पर जो तीसरा भेद है संहिता को मैं बार बार कहता हूँ और मैं ही नहीं कहता हूँ अनेक विद्वानों ने जिन्होंने इस ग्रंथ पर काम किया होगा सबने यही कहा है कि संहिता क्या है कि यह पूरे वांग्मय का संस्कृत वांग्मय का एक इंसाइक्लोपीडिया है और ज्योतिष के लिए तो ये महाविश्वकोष जैसा है कि जितना भी ज्योतिष में विषय दिए जा सकते हैं हो सकते हैं जितना आदमी सोच सकता है वो संपूर्ण विषयों का एक साथ एक ग्रंथ में अगर कहीं पर संकलन है तो वो संहिता ग्रंथ में और यद्यपि आचार्य वहराहमर ने बृहत् संहिता की जो रचना की उसमें अनेक संहिताकारों का अनेक प्राचीन विद्वानों का और बहुत सारे उनके मतों का वहमत्यों का उन्होंने संकलन किया लेकिन वो इतना अपने आप में पूर्ण और पुष्ट ग्रंथ बना कि से जो छोटे छोटे जैसे वशिष्ठ संहिता है नारद संहिता है भृगु संहिता है और अनेक ऐसे विद्वानों का नाम आया है जो आजकल दुर्लभ हो चुके हैं उन सारे लोगों का उल्लेख किया है यौनेश्वर की उसमें चर्चा है लेकिन यह सब आकर जैसे गंगा में पहुंच जाने के बाद बाकी छोटी छोटी जो भी नदियां उसमें मिली उनका महत्व समाप्त हो जाता है नहीं के बराबर रहता है और सब लोग गंगा को गंगा ही समझ स्नान करके तृप्त हो लेते हैं ऐसे ही इस बृहद संहिता का महत्व है और जैसा इसका नाम है बृहत् तो वास्तव में ये बृहत् संहिता है और अपने कालखंड के समस्त संहिताओं का संगम उन्होंने इसमें कर लिया है आचार्य बराहमर ने और मैं जब पढ़ने के लिए आचार्य में यह पाठ्यपुस्तक के रूप में ग्रंथ था तब से लेकर मेरी रुचि होने लगी इसको जरूर थोड़ा विचार करना चाहिए कि विद्वानों ने कहाँ कहाँ तक हमारे प्राचीन लोगों ने काम किया है तो एक चीज मुझे लगा कि जहाँ अनेक विषयों का मे कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है जैसे उद्यान लगाना वृक्ष लगाना फल पुष्प लगाना यहाँ तक कि जो घोड़े के बारे में एक वर्णन किया गया है उसकी कितनी अस्थियाँ होती हैं अग्रभाग का क्या नाम है पृष्ठभाग का क्या नाम है किस प्रकार के उनके लक्षण है अच्छा घोड़ा कौन हो सकता है <coughs> अच्छा हाथी कौन हो सकता है अच्छा कुत्ता कौन हो सकता है कुत्ते के कितने भेद होते हैं कितने के कि उसके कितने प्रकार होते हैं उनका शुभत्व क्या होता है शुभत्व क्या होता है कितने नख के जो कुत्ते होंगे वो भक्त होते हैं कितने नख वाले होते हैं जो कि स्वामी भक्त नहीं होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है उनमें जो विकृति होती है फिर उनमें जो रोग होते हैं उनकी जो चिकित्सा होती है ये सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया पशु पक्षी वायस विरुद्धाध्याय में उन्होंने कितने प्रकार के पक्षियों की कैसी बोली होती है और इस बोली से हम क्या संकेत ग्रहण कर सकते हैं कि शुभ होने वाला है कि अच्छा अशुभ होने वाला है और रत्नों के बारे में जितना विस्तार से उन्होंने लिखा कि रत्न कहाँ से पैदा होते हैं कैसे उनकी उत्पत्ति होती है उनके कितने लक्षण होते हैं और उन रत्नों का छोटा और बड़ा होने पर किस तरह से उनके मूल्य में वृद्धि होती है ये सभी चीज़ें विस्तार से दिया गया और वृष्टि विज्ञान की मैंने चर्चा किया था वृष्टि विज्ञान के बारे में तो इस संहिता के अतिरिक्त और कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता जितना विस्तार से दिया है फिर जो वास्तु विद्या जो वास्तुशास्त्र के नाम से आज प्रसिद्ध है मुझे लगता है कि जितना बृहद संहिता में कहा जा चुका है उससे आगे अब कहने की किसी की हिम्मत नहीं है साहस नहीं है वही अपने आप में परिपूर्ण है वास्तुशास्त्र के लिए जमीन के भीतर कैसे जल की उपलब्धि हो भूमि परीक्षण किया जाए और किस तरह से पठारी क्षेत्रों में मरुस्थल में जहाँ पानी का अभाव होता है ऐसे क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कैसे की जा सकती है उसको कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पर जल है और सरलता से जनता को जल कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है यह दकारगला अध्याय में संपूर्ण रूप से बताया स्त्री पुरुष अध्याय यह अपने आप में एक आ, कहना चाहिए कि मानव शास्त्र का संपूर्ण विवेचन है कि किस तरह की आँख हो कैसा नाक हो कैसे कान हो किस तरह की स्थियाँ हो पैर कैसे हो हाथ कैसे हो हाथ में किस किस प्रकार के लक्षण हो इन लक्षणों से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पता चलता है कि यह राजा बनने योग्य है या दरिद्र भिक्षु होने योग्य है या विद्वान होने योग्य है इस इन लक्षणों का मुझे लगता है कि ढंग से जिस तरह से उन्होंने विवेचन किया है उसी को आगे के शास्त्रकार किसी न किसी रूप में गाते रहे हैं लेकिन मूलतः बृहत् संहिता जैसे आपने कहा ना एक अद्धुत सागर है और मेघमाला है कादम्बनी है मयूर चित्रकम है ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथ उसके आधार पर बने हैं, लेकिन आज भी हम देखेंगे तो सबका मूल बृहत में ही आकर मिलता है तो इस प्रकार जो संगीता ग्रंथ है जो कहा कि सभी विषयों का यहाँ तक कि कैसे दैराग्य को कैसा रहना चाहिए ज्योतिषी के क्या लक्षण होते हैं एक विद्वान पढ़ने के बाद जो स्नातक हो उनमें क्या क्या, क्या सद्गुण होना चाहिए जिसके कारण वो समाज में सफल हो सकता है और लोक हितकारी कार्य कर सकता है यहाँ से विवेचन करना वो शुरू करते हैं और शुरू करते करते उसको सामर्थ्य सूत्र अध्याय दिया है और फिर ग्रहों का नौ ग्रहों के आदित्य चाराध्याय चंद्रचाराध्याय राहुचाराध्याय ग्रहों के जो विभिन्न राशियों पर उनका गमन होता है उसके क्या फल होते हैं क्या उससे समाज प्रभावित होता है इसका भी विचार करना फिर ग्रहों की जुटी का ग्रह भक्ति का और फिर पूरे विश्वमंडल को कितने भागों में नौ भागों में विभक्त करकर नौ ग्रहों का स्थान बताकर उनके सुभा शुभत्व से उन स्थानों पर किस तरह का सुफल अथवा फल पड़ेगा इसका पूरा विचार किया गया तो मुझे लग रहा है कि संगीता ग्रंथ के इस अध्ययन से हम बहुत सारे उन जो अनछुए प्रश्न हैं जिन पर हम विचार नहीं कर पाते हैं उसका समाधान बृहत संहिता में या किसी भी संहिता ग्रंथ में मिलता है एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूँगा इस अवसर पर मेरा जो अनुभव आया उन्होंने कहा कि देखो सतत ग्रहों के निरीक्षण से ही हम किसी परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं बिना ग्रहों के निरंतर निरीक्षण निरीक्षण किए अगर हम सोचें कि केवल पंचांग के ग्रहों को देखकर हम फलादेश कर देंगे या आ, आगामी जो तो घटनाओं का विवेचन कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है कि नित्य प्रति ग्रहों की युति को विभूति को उनके स्थान को वो वाम भाग में विचरण कर रहे हैं दक्षिण भाग में विचरण कर रहे हैं कौन किसे युति कर रहा है कौन किस नक्षत्र के साथ कितनी दूरी पर स्थित हो रहा है इन सबों को हम तभी जानेंगे जब हमारे पास एक तो साधन होना चाहिए जिससे हम अपने इन खुली आँखों से कम देख पाएंगे लेकिन आज अच्छे अच्छे दूर दूरदर्शक यंत्र आ गए हैं टेलीविज़न आ गए हैं उसके आधार पर टेलीस्कोप टेलीस्कोप के आधार पर अच्छे टेलीस्कोप रहें और वो निरंतर उसको देखते रहें देखने के बाद जो उनका आकलन करें उनके गतियों का उनकी जुटी का संकलन करें उसके आधार पर हम जो विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत सही सत्य के निकट पहुंच जाएंगे और स्पष्ट कहते हैं ब्राह्मिद कि नहीं शक, नहीं सकते चिका के ना के नापीतारित हाँ इस तरह का उन्होंने कहा है कि कोई एक आदमी सोचे कि हम कर लेंगे नहीं होगा तो फिर उन्होंने कहा कि चतुर्वीर हाँ तो चार व्यक्ति एक होना चाहिए जो कि जैसे ईशान कोण में मुख कर कर बैठे एक नैत्य कोण में अग्नि कोण में फिर नैत्य कोण में फिर वायव्य कोण कौन में कोणों पर इसलिए जोर दिया गया कि एक कोण में बैठने पर हम बाएं और दाएं का भी ग्रहों को देख लेते हैं और एक पांचवा होना चाहिए जो कि सबका वह मध्य में हो सबका समाकलन कर सके यह बराम का कहना आज तक किसी ने सुना नहीं आज तक किसी ने माना नहीं और हम ज्योतिष पढ़ते रहे ज्योतिष को जितना भी हो सकता है हम भाषण का विषय बनाते रहो चाहे लेख का विषय बनाते रहो लेकिन इस सत्य बात को कभी किसी ने नहीं किया कि चार लोग बैठकर मिलकर आकाशीय दर्शन करें उन आकाशीय दर्शन के आधार पर जो सो तात्कालिक जो तो सही स्थिति है जिसके आधार पर फलाफल मिलता है